हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा की जो MCC की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, कौन कौन से कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं, कितनी सीट्स बढ़ी हैं, कुछ जगहों पर सीट्स कम हुई हैं, तो पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले कि हम एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ें, एक चीज़ बता दूँ, जो लोग भी हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 1200 रुपीज़ में कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी कॉलेजेस हैं वो चाहे गवर्नमेंट हों, एम्स हों या फिर डीम्ड कॉलेजेस हों, उन सब की जो मेरिट लिस्ट है कल आ गई थी, तो वो आपने देख ली होगी ऑलरेडी। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर करंट एंड इवेंट के सेक्शन में जाकर देखेंगे तो सभी मैट्रिक्स जो हैं सीट मैट्रिक्स आ चुकी हैं। फाइनल वाली डीम्ड की देखो, MBBS की, जिपमर की, ASIC की, मतलब टोटल जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन सभी PDF से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करके जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और एनालिसिस किया है पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार कट ऑफ में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो जो डाटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है सीट मैट्रिक्स से इस साल वाली और पिछले साल वाली, उसके कंपेरिजन यहाँ पर आपके सामने है। एम्स दिल्ली के अंदर टोटल 125 सीट इस साल है और लास्ट ईयर भी 125 थी, यानी कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अदर एम्स की बात की जाए तो इसमें सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। अभी जो इस साल सीट हो गई हैं 2087 हो गई हैं, जबकि ये लास्ट ईयर 2037 थी, तो टोटल 50 सीट जो है बढ़ गई हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में एम्स के अंदर। बाकी फिर ऑल इंडिया कोटा MBBS की बात की जाए, यानी जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उसकी जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाती हैं, तो उसकी जो सीट्स को अगर बात की जाए टोटल इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं और कुछ पुराने कॉलेजेस में भी सीट बढ़ी हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल 7914 ऑल इंडिया के अंदर जो है सीट जा रही हैं, यानी ऑल इंडिया कोटा 15% के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से सीट जा रही हैं वो कितनी जा रही हैं, 7914, जबकि ये लास्ट ईयर थी 7624। तो टोटल इस साल के लिए देखा जाए तो 290 सीट जो हैं इस साल सीधी सीधी यहाँ पर बढ़ गई हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर अदर सीट्स की, तो यहाँ पर DU MBBS के अंदर 514 सीट लास्ट ईयर थी और इस साल भी 514 हैं। यहाँ पर 2022 का भी डाटा आप देख सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिग्निफिकेंस है नहीं क्योंकि हमें मेनली पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का देखना है और कट ऑफ भी उसी की बेसिस पर निकालेंगे। IPU MBBS की बात किया है तो यहाँ पर 9 सीटें डिक्रीज़ हो गई हैं, लास्ट ईयर 221 थी और इस साल 212 बची हैं। BHU MBBS के अंदर 100 थी, अभी भी 100 हैं। जिपमर ओपन के अंदर पिछले साल भी 179 थी, इस साल भी 179 है। जिपमर इंटरनल की 64 थी, 64 हैं। ASIC MBBS के अंदर काफ़ी डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कट ऑफ इस बार आपको ASIC की दिखेगी बढ़ती हुई क्योंकि जो सीट्स हैं ASIC की वो घट गई हैं। लास्ट ईयर 482 थी और इस बार 220 हो गई हैं, मतलब आधे से भी कम हो गई हैं लगभग सीट। आप देखेंगे तो 262 सीट जो है डिक्रीमेंट हो गए, जो कि बड़ा फैक्टर है अभी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के लिए। इसकी वजह से भी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई रहेगी ASIC की सीट घटने की वजह से, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो सीट अब घटी है तो ये फाइनल रही है, अभी हो सकता है आने वाले राउंड्स में इसमें परमिशन और सीट्स को मिल जाए तो सीट बढ़ जाएं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो आगे पॉसिबल है अगले सेकंड, थर्ड या फोर्थ राउंड तक जो है सीटें बढ़ती रहें और बाकी कुछ और जो कॉलेजेस हैं हो सकता है वो भी ऐड हो जाएँ, लेकिन अभी तक जो फर्स्ट राउंड तक रहा है उसकी बेस पर मैं यहाँ पर एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको। तो ASIC के अंदर काफ़ी सीट्स का डिक्रीमेंट हुआ है, लगभग देखेंगे तो 262 सीट्स यहाँ पर घट गई हैं। AMU इंटरनल की बात की जाए तो यहाँ पर 72 सीट्स पहले भी थी, इस बार भी हैं, कोई चेंज नहीं है। इंटरनल के अंदर 73 कोई चेंज नहीं है। बाकी दिल्ली CW कोटा के लिए यहाँ पर 4 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, इस बार 39 हो गई, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए पिछले साल के कंपैरिजन में तो लास्ट ईयर 11526 सीट थी ऑल इंडिया कोटा के अंदर फर्स्ट राउंड में और इस बार जो है 11599 सीट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा देखेंगे तो। हालांकि नए कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं, कुछ पुराने कॉलेजेस में सीट्स भी बढ़ी हैं, उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न यही है कि ASIC के जो कॉलेजेस हैं MBBS में, एम्प्लॉय स्टेट इंस्टीट्यूट के कोटा के, तो यहाँ पर जो है उसकी सीट्स डिक्रीज़ होने की वजह से ओवरऑल आपको चेंज सीट्स के अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ इसकी वजह से जो कट ऑफ में थोड़ा चेंज रहेगा ही, लेकिन जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इतना नहीं रहेगा क्योंकि ASIC की सीट्स जो है वो डिक्रीज़ हो गई हैं। ओवरऑल आने वाले राउंड्स में हो सकता है उसकी भी सीटें बढ़ जाएंगी तो जो कट ऑफ है फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। उसी तरह से BDS की अगर बात की जाए तो टोटल 14 सीट्स सिर्फ बढ़ी हैं BDS में, बाकी हर जगह पर सीट जो हैं सेम रही हैं।
टोटल 14 सीट्स का इंक्रीमेंट BDS में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी चेंज BDS के अंदर नहीं देखने को मिला। हालांकि एक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा चेंज होगा, लेकिन यहाँ AC की सीट्स डिक्रीज होने की वजह से जो है ज़्यादा चेंज नहीं आ पाया। अब यहाँ पर जो मेन सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं अगर देखेंगे आप, तो ये हुई हैं ऑल इंडिया कोटा MBBS के अंदर। ऑल इंडिया कोटा MBBS के अंदर यानी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो 15% सीट्स आई हैं उसकी वजह से जो सीट्स बढ़ी हैं वो 290 हैं। अब इसमें जो सीट्स बढ़ी हैं वो दो फैक्टर की वजह से बढ़ी हैं। पहला था न्यू कॉलेजेस ओपन होना, तो न्यू जो कॉलेज ओपन हुए हैं अभी तक टोटल 17 कॉलेजेस ओपन हो गए हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैं उनकी लिस्ट आपको अभी पहले दिखा देता हूँ। 17 कॉलेज ऐड हुए हैं और उन सब की कॉलेज वाइज आप सीट भी देख सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट्स की परमिशन मिली है। तो अभी तक जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं 15 अगस्त 2024 तक, तो टोटल 17 कॉलेजेस ऐड हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आसाम के अंदर है तिनसुकिया और एक है मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 कॉलेजेस हैं MP के अंदर और ओडिशा में एक कॉलेज बड़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस भी कॉलेज का देखना है। बाकी इनकी सीट्स भी है आप जो है सीट मैट्रिक्स से देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर एक कॉलेज बड़ा हुआ है झुंझुनू में और बाकी एक जो कॉलेजेस बड़े हैं एक स्टेट में वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में अगर देखेंगे तो टोटल 4 कॉलेजेस जो है बड़े हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉलेज बड़े हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, टोटल 7 कॉलेजेस यहाँ पर आपको बड़े हुए देखेंगे। पीलीभीत, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर देहात, कुशीनगर, सुल्तानपुर और ललितपुर, इन सभी जगहों पर टोटल देखा जाए तो 17 न्यू कॉलेजेस जो हैं ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इन कॉलेजेस के ऐड होने की वजह से अभी मैंने कितना बताया था ऑल इंडिया कोटा 15% में 290 सीट्स बढ़ी हैं। तो यानी ये कितनी परसेंट सीट्स थी, 15% सीट्स थी। तो बाकी जो जिन सीट्स में से 15% सीट्स आई हैं अगर उनको निकाला जाए तो टोटल लगभग 1933 सीट्स यहाँ पर टोटल नए कॉलेजेस ऐड होने की वजह से और जो पुराने कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो सीट्स बढ़ी हैं इस साल, मतलब पूरे इंडिया में स्टेट कोटा प्लस ऑल इंडिया कोटा दोनों मिला के लगभग 1933 सीट्स यहाँ पर बढ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि इस 1933 का ही जो 15% निकालेंगे तब 290 होता है, क्योंकि 290 जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में गई हैं, यानी 15% सीट्स जो हैं ऑल इंडिया कोटा में गई हैं। इसका मतलब जो टोटल सीट्स बढ़ी हैं अभी तक गवर्नमेंट की तो वो बढ़ी हैं 1933। ठीक है, अब इसके बाद मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल के लिए राउंड वन में क्या रहने वाली है, तो पिछले साल की आप पहले राउंड वन की कट ऑफ देख लो। पहली चीज़ तो ये कि जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ है वो हमेशा हाई रहती है, तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ को देख के आपको डरना नहीं है। ये नहीं होना है कि फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिला तो अब आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा डिमोटिवेशन रहता है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देख के MCC का, तो ऐसा होता है। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई रहती है। लास्ट ईयर देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी से 19,396 पर ही जो लास्ट सीट मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर, जबकि लास्ट में आप देखेंगे तो 23,000 प्लस ऑल इंडिया रैंक तक भी जनरल कैटेगरी से सीट मिल गई थी। तो काफ़ी चेंज जो है फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड में रहता है। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हमेशा हाई रहती है MCC की, तो ये मान के चलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अभी कट ऑफ बताऊँगा आपको कि किस रेंज में जो है कट ऑफ इस साल रह सकती है। ठीक है, EWS के लिए लास्ट ईयर 21,591 रही थी, OBC के लिए 19,977, SC के लिए 1,13,000 और ST के लिए 1,41,071 रही थी। ऑल इंडिया रैंक की आप देखेंगे मार्क्स तो क्योंकि पूरे चेंज हो गए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर राउंड वन की बात की जाए इस साल के लिए क्या रह सकती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड है 21,500 से 22,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और EWS से 22,500 से 23,500 तक फर्स्ट राउंड में एक्सपेक्टेड है। OBC से 21,500 से 22,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है फर्स्ट राउंड के अंदर MCC में। SC कैटेगरी के लिए 1,05,000 से 1,10,000 ऑल इंडिया रैंक, और ST से 1,40,000 से 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। और इस साल जो है ASIC के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी कट ऑफ जो है ऑब्वियसली हाई रहेगी, क्योंकि ASIC की सीट जो है वो डिक्रीज़ हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ASIC की सीट डिक्रीज़ होने की वजह से उसकी कट ऑफ हाई रहेगी। अभी हो सकता है आने वाले राउंड्स में उनकी जो सीट्स है और बढ़ जाएँ, तब हो सकता है वो डिक्रीज़ हो जाए, उसकी अभी ये फाइनल नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं आने वाले राउंड्स में। और बाकी अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए कि लास्ट तक किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, तो वो ऑल इंडिया कोटा के लिए जनरल कैटेगरी से एक्सपेक्टेड, जो मैंने पहले भी बताया था, 25,000 से 25,500 के बीच में एक्सपेक्टेड है। EWS से 26,000 से 27,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में, और OBC में 25,500 से 26,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में। ST से 1,35,000 से 1,40,000 के बीच में। ST से 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। ये फाइनल तक, मतलब एकदम काउंसलिंग के एंड तक, स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड तक जो है यहाँ तक कट ऑफ रह सकती है। बाकी फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हमेशा आई रहती है, तो उसको देखकर आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पर पूरा, अब इसके बाद आपकी कोई क्वेरी बचती है, डाउट बचता है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।